हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपने सिस्टम में विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं। गाइज, मैं यहाँ पे फिजिकल इंस्टॉल करना नहीं बताऊँगा, वर्चुअली आप किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स की हेल्प से विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करना बताने जा रहा हूँ। इसके लिए फ्रेंड्स, आपके पास एक विंडोज़ 11 का ISO इमेज फाइल होना चाहिए। आप इसे किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड किया गया, वहाँ से फ्रेंड्स आप विजिट करिएगा तो फ्रेंड्स आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं आप किस तरह से विंडोज़ 11 के ISO इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप इसके साथ साथ आपके पास एक वर्चुअल बॉक्स होना चाहिए, इसका भी लिंक फ्रेंड्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया, आप सिंपली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं इसे ओपन करता हूं। वर्चुअल बॉक्स को राइट क्लिक करना, एज एडमिनिस्ट्रेटर पे आपको क्लिक करना। अगेन फ्रेंड्स, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसे फ्रेंड्स आप सिंपली इंस्टॉल कर ले। यहाँ पे आपको नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करना है, और इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली फिनिश पर क्लिक करना है। और फिनिश पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ऊपर में फ्रेंड्स आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, परफॉर्मेंस, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, एड, न्यू। सो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले यहाँ पर न्यू पे क्लिक करना है, और न्यू पे क्लिक करने पर फ्रेंड्स एक नया वर्चुअल बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। नाम में फ्रेंड्स आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर रहा हूँ, चलिए मैं यहाँ पे विंडोज़ 11 दे देता हूँ, और जो है उसे बाय डिफॉल्ट रहने देना। यहाँ पे सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगेन फ्रेंड्स, आप मेमोरी साइज कितना देना चाहते हैं, कितना GB रैम देना चाहते हैं। आपके पास अगर 16 GB है तो फ्रेंड्स आप 8 GB दे सकते हैं। जितना फ्रेंड्स आप ग्रीन देख रहे हैं आप वहाँ तक ले जा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर अभी केवल 4 GB से ही इसे इंस्टॉल करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और अगेन फ्रेंड्स क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ, इस पर बाय डिफॉल्ट रहने देना है क्रिएट। और अगेन फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इसे भी बाय डिफॉल्ट रहने देना है। यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ पे डायनामिक एलोकेटेड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और अगेन फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने ड्राइव का साइज दे सकते हैं। यहाँ पे 32 GB मैं इतना ही रहने देता हूँ, आप इसे बढ़ा भी और घटा भी सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। क्रिएट पर क्लिक करना है, और इसके बाद फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सिंपली सेटिंग पर क्लिक करना है, और सेटिंग पर क्लिक करने के बाद स्टोरेज पर क्लिक करना है, और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इम्पैटी। ओके, इस पर क्लिक करने में फ्रेंड्स एक साइड में आपको डिस्क का इमेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सिंपली क्लिक करना है, और विंडोज़ 11 के ISO इमेज फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। सिंपली आपको चूज क्रिएट अ वर्चुअल ऑप्टिकल डिस्क पे आपको क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे शो कर जाएगा विंडोज़ 11 का ISO। अगर नहीं शो करता है सिंपली आपको ऐड पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे विंडोज़ 11 पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको चूज पर क्लिक करना है, और अगेन फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, यहाँ का काम हो चुका है। अब फ्रेंड्स आपको सिंपली इसे स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं स्टार्ट का ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है, और ये फ्रेंड्स आपका विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली स्टार्ट पे क्लिक करना है, और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद विंडोज़ 11 का इंस्टॉलेशन प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं विंडोज़ 11 का इंस्टॉलेशन प्रोसेस वो स्टार्ट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, विंडोज़ इंस्टॉलेशन में 30 से 35 मिनट लग सकता है। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर वेट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिला है। यहाँ पर फ्रेंड्स लैंग्वेज आप सिंपली इंग्लिश इंडिया आप दे सकते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पर सर्च करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सिर्फ इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ही देना है, ये जो फ्रेंड्स आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिला है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सिंपली इंग्लिश और इंडिया फाइंड आउट करना है। अगेन फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सिंपली सम टाइम वेट करना है। सेटअप इज स्टार्टिंग, और अगेन फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सिंपली आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की अगर आपके पास है तो यहाँ पर दे सकते हैं, अदरवाइज फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पर विंडोज़ 11 प्रो को इंस्टॉल करूँगा, 64 बिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी फ्रेंड्स आपको 32 बिट नहीं देखने को मिलेगा। सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सिंपली कस्टम पर आपको क्लिक करना है। और अगेन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक नया डिस्क आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट 32 GB का जो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने चूज किया था, और यहाँ पे एक न्यू पे क्लिक करना है, और न्यू पे क्लिक करने के बाद चलिए मैं यहाँ पे 1 GB का एक नया ड्राइव क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू पर आपको क्लिक करना है, और चलिए मैं 1 GB इक्वल टू 1024 MB, तो मैं यहाँ पे 1024 MB देता हूँ। 1024 यानी कि 1 GB हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे 1 GB का एक नया ड्राइव क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना है, और विंडोज जो इंस्टॉल करना है यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। 31 GB पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और ये विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन प्रोसेस वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अप्रॉक्स 20 से 25 मिनट लग सकता है। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर वेट करना है कंटिन्यू। सो फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सिंपली इंटर हिट करना है, और अगेन फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जस्ट अ मोमेंट, और अगेन फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे जो भी पूछा जाएगा सिंपली आप उसे देते रहिए। और अगेन फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जैसे कंट्री पूछा है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर सिंपली इंडिया, और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप जो भी कंट्री से बिलोंग करते हो वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कंट्री देखे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप कीबोर्ड दे सकते हैं, यहाँ पर मैं इंग्लिश इंडिया देता हूँ, और अगेन फ्रेंड्स यस पे क्लिक करना है। यहाँ फ्रेंड्स आपसे जो भी पूछा जा रहा है सो फ्रेंड्स आप यहाँ पर कंटिन्यू करते रहें। ओके,
और अगेन फ्रेंड्स आपसे नाम पूछा जाएगा, अगेन फ्रेंड्स पासवर्ड पूछा जाएगा। सो फ्रेंड्स आपका आपके लिए सिक्योरिटी रीजन के लिए 3 क्वेश्चन पूछेगा। सो फ्रेंड्स आप इसे कंटिन्यू करने के बाद आपको सिंपली वेट करना और लास्ट में फ्रेंड्स आपके सामने में विंडोज 11 का स्क्रीन शो हो जाएगा।